नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सीएम आवास पर नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है, कई तरह की अटकलें भी सामने आने लगी है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी चुटकी लेते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार सीएम बना देंगे और आरजेडी में जेडीयू का विलय कर देंगे। वहीं इस बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, बीजेपी के नेता बेचैन हैं और इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं ज्ञात हो कि बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि जब से नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की गोद में बैठकर राजनीति कर रहे हैं तब से जेडीयू के विधायक, विधान पार्षद, सांसद असहज स्थिति में है, अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी को नीतीश सीएम बना देंगे और आरजेडी में जेडीयू का विलय कर देंगे। नीतीश कुमार को पता है कि उनकी पार्टी में टूट हो जाएगी और जेडीयू के विधायक, विधान पार्षद, सांसद उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार इसलिए जेडीयू के विधायक, विधान पार्षद और सांसदों से मिल रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, टूट को रोकना चाहते हैं। लेकिन जेडीयू और बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के हाथ से निकल चुकी है। इस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जेडीयू का विलय बीजेपी में तो नहीं होगा, जेडीयू आरजेडी समाजवादी अंश व वंश भी है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद के दावे पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, यहाँ मणिपुर जल रहा है और गृह मंत्री बिहार में रैली कर रहे हैं, बीजेपी को देश की चिंता नहीं है। वहीं आरजेडी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना है, ये लक्ष्य है। वहीं इसको लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा, यह तय है। नीतीश कुमार तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं, जेडीयू के विधायक, विधान पार्षद, सांसद डरे हुए हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जेडीयू के विधायक, सांसदों को पता है कि जेडीयू के सिंबल पर जीत नहीं सकेंगे, जेडीयू का आने वाले समय में अस्तित्व नहीं रहेगा। नीतीश कुमार अपने विधायकों, सांसदों से इसलिए मिल रहे हैं कि कहीं पार्टी में विद्रोह न हो जाए, जेडीयू से जल्द ही भगदड़ मचने वाली है। 17 सालों से नीतीश कुमार विधायकों से 1-on-1 नहीं मिलते थे, विधायक महीने भर इंतजार करते रह जाते थे लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाती थी। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और विधान पार्षदों से शुक्रवार को आवास पर मुलाकात की और विधायकों के क्षेत्र में क्या माहौल है और जनता का क्या मूड है यह जानने की कोशिश की, विकास कार्यों से जनता संतुष्ट है या नहीं, इन सभी बातों को लेकर नीतीश कुमार ने जानकारी ली। वहीं इस बैठक को लेकर कई अटकलें भी लगानी शुरू हो गई हैं।